जय हिंद। बहुत सारे बच्चे जैसे टीओडी का जैसे ही गवर्नमेंट ने पैकेज लॉन्च किया था, आप सभी को पता है कि उन्होंने बताया था कि पहले साल में इन जवानों को 4,76,000 रुपए की जो पे मिलेगी और जो चौथे साल में 6,92,000 तक चली जाएगी। ये पे को मिलाकर जो आंकड़ा दिया गया उसमें बहुत सारे जो बेक हैंड अप मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, ये आंकड़ा भी पूरा सच्चा नहीं है, इसके पीछे भी एक साजिश है जो मैं आपको उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें क्या क्या नापाक हरकते हैं। सरकार की मंशा जो चीजें बताई उनमें साथ ही आपको एक चीज और बताई थी सरकार ने कि जब आप रिटायरमेंट हो गए 4 साल बाद में तो 11,76,000 रुपए ऐसा समथिंग कुछ आंकड़ा है वो आपको मिलेगा। अब आपको यह लग रहा होगा कि सरकार आपको मतलब कि पहले साल में 4,76,000 के आसपास पैसे देगी, फिर चौथे साल तक ये 6,92,000 रुपए ये हो जाएंगे और प्लस 11 लाख और जो भी 76,000 या जो भी आंकड़ा है 70,000 वो आपको और मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 11,76,000 है ये इसी में से है, इसी में से ये है, अलग से ये नहीं है। किस प्रकार से ये मैं बता दूं, जैसे आपकी फर्स्ट मंथ की पेमेंट रहेगी 30,000 रुपए, तो उस 30,000 रुपए में 9,000 रुपए आपके कट जाएंगे, तो 12 महीने यानी पहले 12 महीने आपके 9,000 रुपए से कटेंगे, तो कितने कटेंगे आप खुद देखिए। एक लाख 8,000 रुपए आपके पहले साल कटेंगे, अगले साल ये आंकड़ा जैसे आपकी पेमेंट बढ़ेगी उसी प्रकार यानी हर पेमेंट में आपका 30% आंकड़ा कटेगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसमें से 30% कटेगा। तो ये 1,08,000, फिर मान के चलिए कि फिर अगले साल में अगर ये आंकड़ा बढ़ जाएगा तो 1,20,000 कट जाएगा, उससे अगले साल में 1,30,000 ले लीजिए और उससे अगले साल में 1,40,000 या 50,000 आपके पैसे कटेंगे। अब जो ये पैसा है ये आपका लगभग मान के मिला के चलिए कि 5 लाख और कुछ कट जाएगा, तो ये पैसा आपका इसी पेमेंट में से कटेगा। गवर्नमेंट इसमें 11,76,000 के बजाय आपको इसका आधा पेमेंट देगी, यानी जब 9,000 आपकी पेमेंट में से कटेगा उसमें 9,000 रुपए ही गवर्नमेंट अपने मिलाएगी। यानी जो आप ये रिटायरमेंट राशि देख रहे हैं इसमें आप सिर्फ आधी राशि ही इसकी लगाइए, बाकी जो आधी राशि है वो आपकी पेमेंट से ही काटी जाएगी। जो पेमेंट ये वाली है इसमें से ही काटी जाएगी, जो 4,76,000 पहले साल के और चौथे साल के 6,92,000 इसी में से वो पेमेंट काटी जाएगी 5 लाख और लगभग 60,000, 5,46,000 के आसपास ये पैसा इसी पैसे में से काटा जाएगा। जो 11 लाख आपको सिंचित राशि मिलेगी रिटायरमेंट के समय उसमें गवर्नमेंट का आधा पैसा ही होगा, आधा आपका काटा जाएगा उस पेमेंट में से। ध्यान रखिएगा, आधा पैसा आपका काटा जाएगा ना कि गवर्नमेंट अपना देगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है जो आपके साथ होने वाला है। आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट के समय यानी आप बहुत सारे जैसे हमने भी ऐसा अनुमान लगाया था कि चलो ये कुछ नहीं, इसका पैकेज जो इन्होंने लॉन्च किया है कि 4 साल 40 लाख वाला तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो पैसे ये जो पैसे है इनमें से लगभग ये जो चार्ज है ये आपकी पेमेंट में से कटेगा सालाना, और फिर टैक्स फ्री आपको जो 11 लाख और कुछ पैसे बताए गए हैं, जो भी आपको बताया गया 11 लाख और कुछ पैसे वो जो टैक्स फ्री है उसमें से सरकार केवल 5 लाख और कुछ पैसे मिला रही है, बाकी जो 5 लाख और कुछ पैसे वो आपकी पेमेंट में से ही काटे जाएंगे। हाँ, इसमें ये साथ में किया गया कि आप अगर हाई रिस्क एरिया में अगर ड्यूटी करते हैं तो वहां का अलाउंस आपको बिल्कुल एक स्थायी जवान के बराबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अलाउंस सब जगह नहीं होते हैं, कुछ हाई जो प्रभावित एरिया संवेदनशील एरिया होता है उन्हीं में होते हैं जहां क्राइम की रेट ज्यादा होती है, आतंकवादियों जैसे कश्मीर जैसे जगह, बाकी सब जगह ये अलाउंस नहीं होते हैं, तो ये हर एक इंसान को वो अलाउंस नहीं मिलेंगे और जो ये पेमेंट है इसी में से काटी जाएगी। तो इसको जो जोड़ रहे थे कि मान लीजिए 5 साल का 4 साल का 30 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख रुपए ये माइनस कर दो और हो जाएगा 25 लाख ही। यह है वास्तविकता जो कि आंकड़ा उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि इसी में से ये काटा जाएगा। तो जितने बच्चे हैं सरकार के भरोसे, ये चीज एक और आपके सामने रख दी है मैंने कि जो रिटायरमेंट का जो शुल्क है 11 लाख और कुछ रुपए उसमें से आपका आधा शुल्क आपका ही जमा होगा, उसमें आधा सरकार दे रही है, पूरा नहीं दे रही है ये पैसा, ये आप ही का जमा हुआ पैसा है सरकार का नहीं। जय हिंद, जय भारत, लाड लो।